गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आए हो, अच्छे होंगे तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं अभी 10 बज रहा है। मैं उठ चुकी थी काफ़ी टाइम पहले और उठ के चाय भी पी लिया है और दोनों को लंच भी बना के दे दिया है, खैर पापा और इनकी बुआ को, और ये दोनों ऑफिस भी जा चुके हैं। बस सो रहा था सिर्फ मेरे लाल, रात को सोता नहीं है, सुबह 10-11 बजे से पहले उठता नहीं है। और मम्मी लेके आई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी लेके आई है पेपर बिछाने। मम्मी से मंगवाया गया है, मतलब तो मैंने मंगवाया है, तो वो पेपर हो रहा है गंदा। और तो मैंने सोचा कि इसकी पेपर चेंज होगी, तो डिफरेंट शेड में आया, ये आया है ग्रीन, तो इसमें ग्रीन कलर की वो है और इसमें है जो लगा हुआ है, पता नहीं कौन सा कलर था पर ब्लैक दिख रहा था, पता नहीं ग्रीन था क्या था। और दीदी को दे दिया था सोयाबीन की सब्जी जो कल दोपहर में बनी थी, और यहाँ हो रही अरवी बॉयल 2 सीटी, और कुछ बनाया नहीं था सुबह आज, तो इसी के पेपर चेंज करने। और इसके पेपर हो रहे ख़राब, क्योंकि बच्चों ने कर दिया था ख़राब फाड़ फाड़ के, तो मैंने कहा इसके पेपर चेंज करेंगे। और जो हमने ये वाला पेपर बिछाया था किचन में, तो ये भी हो रहा बेकार ही हो रहा है, मतलब चला नहीं 2 हफ्ते तक भी, ये भी हो गया ख़राब। तो अगर बच जाएगा पेपर तो सोच रहे कि टाइम मिलेगा तो ये भी चेंज कर देंगे आज। तो मेरे पास अभी टाइम है और कार्य भी सो रहा है, तो मैं दीदी से कह रही थी तुम बना लो और भी, और मैं इसको फाइनली करके ख़त्म करती हूँ। अभी तो टाइम है, खैर बच्चे भी सो रहे परेशान करने वाले, तो फटाक से हो भी जाएगा। पर बिछाते बिछाते हमारे लाल भी उठ चुके हैं जिनका डर था, और अभी तो रह ही गया इधर इस साइड कवर करने, अभी पेपर की उस साइड जो दिख रहा है ये वाले पोर्शन, ये वाले भी। और पहले तो हमारे लाल उठ चुके हैं, बताओ क्या करें, हैं क्या करें? इनको बोले दादी के पास चले जाओ तो दादी के पास भी नहीं जाना। मैंने इसके पेपर चेंज कर दिया है, कैसे लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ऐसे दिखाती हूँ आप लोगों को। सामान अभी रखा नहीं है, इसकी वाइट कलर की पन्नी कह रही हूँ, कागज भी अच्छा लग रहा है इस पे। कहाँ चले बेटा? अभी इन्होंने जूता ले लिया, अब कह रहे चलो जूता पहन के कहाँ जाओगे? अच्छा ये बताओ पहले, हाँ दीदी को लेने जाओगे? दीदी को ठीक है ठीक, तो मम्मा पहले ये सामान सेट करते कि नहीं? हाँ? और कारू निकले घर से, कहाँ कारू? फोन की टेम्पल डलवाने जा रही हूँ, देखती दुकान खुला है कि नहीं है, तो कारू भी जिद करने लगा कि लेके चलो बाहर, इसलिए मैंने कहा चलो लेके आते हैं उनको। हमें टेम्पल वाले तो मिले नहीं, लेकिन हमारे कारू की मौज हो गई, उनके पापा ने कहा उन्हें चिप्स दिला दो और जूस, है ना। मैं आ चुकी हूँ, मैं करूँगी नाश्ता। ये कारू के लिए मैंने बाइट तोड़ा था पर इसने खाया नहीं, और जिस काम के लिए गए थे वो तो हुआ नहीं है। पहले नाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद काम पड़ा फैला पड़ा, फिर काम करेंगे। तो तीनों बच्चों को हमने घर से निकाल दिया, इनकी पिकनिक हो रही घर की बाहर, है ना, चिप्स खा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक के नाम पर पानी दिया उनको। और दीदी कर रही है बिस्तर चादर सिलाई, चादर फट गई, एक तो वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगा, कपड़े फाड़ने लगा। और यहाँ भाई ने बिस्तर झाड़ दिया, सब कर दिया, उसके बाद भी इन्होंने पानी गिरा दिया। मैं लगाई थी झाड़ू, बर्तन वगैरह सब धुल चुका है, दीदी ने चढ़ाया दूध, और ये मैंने सेट कर दिया ऐसे ऊपर, डिब्बे नीचे कप रख दिया है मैंने, क्या नहीं क्यों साफ साफ अलग रख रही थी, हाँ रख दो।
तो ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, मैं सोच रही हूँ मैं अपने कपड़े हाथ से ही धो लूँगी, क्योंकि इनकी इनकी पैंट और शर्ट निकली रखी है, धुलना तो पड़ेगा ही, चला के कोई फ़ायदा नहीं है मशीन। मैं हो चुकी नहा के रेडी, काम वाम हो चुका है सब, और बच्चों को खाना खिला दिया था बड़ी मम्मी ने, और खाने में बना दीदी ने आलू फ्राई, आलू उनसे पता नहीं क्यों घुटी जाती है आलू, और दाल मैं दिखाती हूँ आप लोगों से, इसे बनाए दाल चावल और आलू फ्राई बनाए दीदी ने, तो मैं पापा में आ चुके हैं, तो मैं निकाल रही थी पापा के लिए खाना, उनको दे दूंगी खाना और मैं भी खा लूँगी खाना, क्योंकि साढ़े तीन बज रहा अभी, तो दादा का खाना मैंने निकाल दिया है। मैंने भी अपना खाना ले लिया है, और यहाँ बंदर कौन छुपा है, आओ कायरो खाना खिलाते बेटा, आ जाओ आ बेटा। शाम के बज रहे 7 और कायरो पापा आ चुके हैं बैठे, और मैंने मुँह को धो लिया है, जा रही थी मैं पूजा करने, दीदी ने उठा लिए कपड़े, और हमारे कायरो भाई साहब कहाँ जा रही, तो पुरानी चप्पल पहन के कहाँ जा रहे मेरे बाबू, एक सैंडल फेंक तो नहीं तेने, दो ही सैंडल, ये पानी की बोतल उठाओ। और मैंने एक चीज़ आपको दिखानी थी, मैं थोड़ी सी ब्रेड और बची थी, तो यहाँ पैदा फंसा, थोड़ी सी ब्रेड इसमें और बची थी तो मैंने रख दिया था, और कबूतर सब्र उठा के खा गए, मैं सोच रही हूँ मैं कोई पौधा लगवा दूंगी। चलो 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 चलो, यार मम्मी लेके आई थी तो ये थोड़ा सा मतलब कैसा अजीब सा हो गया था, तो मैंने धूप में रख दिया था, अब हो गया सही, वो मैं रख देती हूँ उठा के, आओ लेके आओ, ये लीजिए डंडा, ये उखा रही थी मिट्टी, पिटाई लगाओ उसकी, डर नहीं रही वो बिल्कुल भी, जब मैंने बोला पापा मिठाई मारेंगे बेटा, तो उसने नीचे फेंक दिया था मिट्टी, जानो तुम्हें एक दिन पिटाई लगेगी, दोनों भाई बहन मारेंगे आपको, हाँ कायरो कायरो पापा जल्दी आइए, कायरो मिट्टी खा रहे, जल्दी आइए जल्दी, डंडे लेके आइए जल्दी पापा, जल्दी 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 जाओ ना जाओ, पापा डांटेंगे आपको, जाओ सुबह पूजा करके, और कायरो पापा हमेशा की तरह किचन में आज नया कोई डिश बना रहे हैं, क्या रॉकस्टार रॉकस्टार तो नहीं लेकिन कुकिंग स्टार जरूर कह सकते हैं आपको, और आज क्या बना रहे हैं कोई नया रेसिपी देखा कायरो पापा ने, वही ट्राई कर रहे हैं, अब वो बनने के बाद ही बताएंगे, आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा ही नया रेसिपी ट्राई कर रहे हैं ना कायरो पापा, क्योंकि YouTube पे हमें एक नया मतलब कि डिश कोई बनाना पड़ता है, इसलिए हम नया नया ज़्यादातर ट्राई कर रहे हैं ना, देखते हैं इसको क्या हो चुके रेडी, क्योंकि मुझे अपनी फ़ोन पे टेम्पल डलवाना है, और मैं जब गई थी दोपहर में तो दुकान बंद था, और दीदी बना रही चाय और लगा रही साथ ही साथ बर्तन, और हमने कह रही सॉरी कायरो पापा ने जो बनाया सब्जी वो दिखाते आप लोगों को, टमाटर और प्याज की चटनी है क्रीम डाल के, अब ये पराठा के संग खाने में मज़ा आएगा वो मम्मी कह रही है, अब कौन ट्राई करेगा, अभी तक तो किसी ने ट्राई किया नहीं, तो मैं बता भी नहीं सकती कि कैसा बना क्या नहीं, बस बना के रख दिया उन्होंने, मम्मी तो कह रही है पराठा संग अच्छा लगेगा, दीदी से पूछती हूँ, मैं दीदी से पूछ रही थी दीदी हमारे साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, दीदी का भी कुछ पता नहीं, जाओगी हैं? आ चुकी हूँ मैं टेम्पल डलवा के, और पापा लेके आए थे चिकन, तो चिकन हो रहा है यहाँ फ्राई सिर्फ ऐसे खाने के लिए, और यहाँ सब्जी बन चुकी है अंडे की, और मैंने चाय पिया नहीं था तो मैं आके चाय गर्म कर रही हूँ, और अभी कितना बज रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आई बजा 9:30 बज रहा है, चाय पीऊँगी, खाना तो बन ही गया,
फिर ये बर्तन वगैरह धोऊंगी। तो खाना पीना सबका हो चुका है, बर्तन वगैरह धो के रख दिया है मैंने, और मैं आज की ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे तरफ से सबको गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।